हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 11 सितंबर 2020 का हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने को मिलेगा, उसके लिए WWE ने कौन कौन से मैचेज और सेगमेंट को अनाउंस कर दिए हैं और क्या कजिन वर्सेस कजिन का हमें ब्रॉल भी देखने को मिल सकता है स्मैकडाउन में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें। चलिए सेल वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रदर वर्सेस ब्रदर के मैच से। तो गाइज, आपको पता होगा कि जो इस वीक से पहले का हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें नंबर वन कंटेंडरशिप का मैच देखने को मिलता है। इस मैच को और नहीं बल्कि जे उसो जीतते हैं। और गाइज, ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि जे उसो वर्सेज रोमन रेंस का हमें मैच देखने को मिलेगा फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। जब गाइज इस मैच को और नहीं बल्कि जे उसो जीतते हैं तो गाइज हमें क्या देखने को मिलता है कि आपको पता होगा गाइज कि अभी रोमन रेंस फेस कैरेक्टर में नहीं बल्कि हील कैरेक्टर में है, और जिस टाइप से उनका रिंग में कैरेक्टर देखने को मिल रहा है उस टाइप से हमें उनका सोशल मीडिया पे भी कैरेक्टर देखने को मिलता है। जब इस मैच को जे उसो जीतते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे लगा था कि वो अपने भाई के बदौलत सारी मैच जीतता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो मतलब थोड़ा मोड़ा मजाक बनाने का कोशिश करते हैं जे उसो का। तो गाइज, ऐसा हो सकता है कि जो इस वीक का हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने को मिलेगा, जे उसो बदला लेने का कोशिश करेंगे रोमन रेंस से। अब गाइज, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो ब्रॉन स्ट्रोमैन और फिंड का क्या हाल करते हैं पेबैक में। तो गाइज, आप बस अनुमान लगा लीजिए कि जे उसो का क्या हाल करेंगे रोमन रेंस इस के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। और गाइज, सेकंड सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है द गोल्डन रोल मॉडल की ओर से। वेल गाइज, द गोल्डन रोल मॉडल बोलना भी अब बेकार हो चुका है, क्योंकि गाइज आपको पता होगा कि जो चीज़ मतलब बहुत दिन से WWE यूनिवर्स एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो एक नॉर्मल सा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि हमें क्या देखने को मिलता है कि बेली अटैक कर देती हैं साशा बैंक पे, साशा बैंक इंजर्ड भी हो जाती हैं, वो हॉस्पिटल में भी एडमिट होती हैं। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाती हैं। WWE अपने मतलब ट्विटर पे ये बोले कि अकाउंट पे सारे जगह वो इंफॉर्मेटिव नॉलेज देती है कि वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो गाइज, ऐसा हो सकता है कि बेली वर्सेस साशा बैंक का हमें इस बार रिंग में ब्रॉल देखने को मिल सकता है। और गाइज, ऐसा भी हो सकता है कि एट क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप बेली वर्सेस साशा बैंक का हमें मैच भी देखने को मिल सकता है। और गाइज, थर्ड सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जेफ हार्डी, एजे स्टाइल एंड ओल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेमी जेन का। गाइज, आपको पता होगा कि जो इस वीक से पहले का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें ट्रिपल थ्रेट मतलब कोलैब देखने को मिलता है, यानी कि ट्रिपल थ्रेट हमें कोलैब देखने को मिलता है। और गाइज, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि WWE के बैक स्टेज प्लान है कि एट क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिलेगा। तो गाइज, ऐसा हो सकता है कि कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ऑफिशियली एडवर्टाइज हो जाएगा कि एट क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जेफ हार्डी वर्सेज सेमी जेन वर्सेज एजे स्टाइल का हमें मैच देखने को मिल सकता है। और गाइज, फोर्थ सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है बिगी के तरफ से। जैसा कि गाइज मैंने आपको बताया कि साशा बैंक भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती हैं, और हमें क्या देखने को मिलता है कि बिगी पे काफ़ी ब्रूटल तरीका से मतलब अटैक करते हैं सेमस, वो भी मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और उसके बाद गाइज हमें क्या पता चलता है कि वो भी डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो गाइज, ऐसा हो सकता है कि जो इस वीक का हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने को मिलेगा, वहाँ पे बिगी बदला लेने का कोशिश करेंगे सेमस से। नहीं तो गाइज, ऐसा भी हो सकता है कि कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें हिंट मिल जाएगा कि ये दोनों सुपरस्टार का फ्यूचर क्या होने वाला है WWE में। और गाइज, नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट में भी हमें देखने को मिल सकता है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन शिंसुके नाकामुरा एंड सीजारो का। वेल गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया शिंसुके नाकामुरा एंड सीजारो का, गाइज हमारे पास ये अभी मतलब न्यूज़ निकल के आ रही है कि हमें यूनिफाइड टैग टीम देखने को मिल सकता है WWE में। यानी कि गाइज, आपको पता हो कि 2008 के करीब हमें एक रॉ टैग टीम चैंपियनशिप, जैसा कि हमें वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलता था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉ टैग टीम चैंपियनशिप क्योंकि वो ज़्यादा रॉ पे ही रहती थी। तो गाइज, ऐसा हो सकता है कि हमें हिंट मिल जाएगा क्या यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप WWE में आने वाली है या नहीं। नहीं तो गाइज, ऐसा भी हो सकता है कि कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें हिंट मिल जाएगा कि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन शिंसुके नाकामुरा एंड सीजारो को कौन फेस करेगा क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में। वेल गाइज, लास्ट सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है फायरफ्लाई फन हाउस का। जैसा कि गाइज मैंने आपको इससे पहले जो सेगमेंट मैंने बताया था वहाँ पे मैंने बताया था कि लास्ट सेगमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन गाइज ये सबसे लास्ट सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है फायरफ्लाई फन हाउस का। गाइज, आपको पता होगा कि अगर आपने इस वीक से पहले का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को फॉलो किया होगा तो ब्रे वायट बोलते हैं जो इसके बाद का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होगा वो वहाँ पे नए फ्रेंड को लेके आएंगे। और जैसा कि गाइज अगर आपने थंबनेल को देखा होगा तो वहाँ पे मैंने शो किया है इवा मरी को। और गाइज, अभी से कुछ दिन पहले मतलब एक
क्योंकि ऐसा होता है, इंटरव्यू होता है वहाँ पे ईवा मड़ी जाते हैं और वो बताते हैं कि WWE के बीच में और विंस मैकमैन के बीच में उनके काफ़ी अच्छी अभी मतलब कन्वर्सेशन हो रही है। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि उनके फ्रेंड और नहीं बल्कि ऐसा हो सकता है कि कल फायरफ्लाई फन हाउस में हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है ईवा मड़ी का। वेल गाइज ईवा मड़ी का कांड आपको बताने का जरूरत नहीं है कि जब स्मैकडाउन में 2016 के बाद ड्राफ्ट होता है तो क्या होता है बेकी लिंच के जब उनका मैच उनके साथ होता है, आपको बताने का जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको ये बताने लगा तो आपको लगेगा कि मतलब पीजी एरा खत्म हो जाएगा, एटीट्यूड एरा आ जाएगा मेरे चैनल पे, इसलिए मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ऐसा हो सकता है कि ब्रे वायट के न्यू, ऐसा हो सकता है कि फ्रेंड और कनेबल की ईवा मड़ी भी हो सकती है, तो गाइज ऐसा भी हो सकता है कि कोई और फ्रेंड हमें उनका देखने को मिल सकता है। तो गाइज कुछ यही सेगमेंट हैं जो कि ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुके हैं और कुछ र्यूमर्स हैं। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फाइनली बाय फ्रेंड्स।